हेलो व्यूअर्स, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको जानना होगा कि आपको कौन कौन सा पेपर सबमिट करने होंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका बिजनेस का नेचर यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपका बिजनेस इंडिविजुअल हो सकता है या फिर प्रॉपर्टरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो सकता है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारा कॉन्स्टिट्यूशन और बिजनेस को कवर करते हैं। तो पहले देख लीजिए इंडिविजुअल केस में क्या होता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी देना है, साथ साथ बिजनेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको ट्रेड लाइसेंस या फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर उद्यम आधार सर्टिफिकेट देने होंगे। नॉर्मली देखा गया है कि चार डॉक्यूमेंट में से कम दो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टरशिप बिजनेस के केस में। देखिए प्रॉपर्टरशिप और इंडिविजुअल के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जहां पे इंडिविजुअल की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे करंट अकाउंट आपके नाम पे ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम है राजीव कुमार तो अगर आप करंट अकाउंट ओपन करने चाहते हैं इंडिविजुअल के नाम से तो राजीव कुमार के नाम से ही करंट अकाउंट ओपन हो जाएंगे। पर अगर आप प्रॉपर्टरशिप बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपका नाम राजीव कुमार है तो राजीव कुमार के नाम पे अकाउंट नहीं होंगे, वहां पे होंगे राजीव एंड कंपनी, राजीव एंटरप्राइज, कुमार एंटरप्राइज, कुछ भी हो सकता है। पर उसमें क्या होगा कि आपका जो नाम है वो नाम नहीं रहेगा बल्कि बिजनेस का नाम रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्रॉपर्टर है उनका पैन कार्ड चाहिए, उनका KYC में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड चाहिए, गवर्नमेंट इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको चाहिए ट्रेड लाइसेंस, प्रोफेशनल टैक्स, GST या फिर उद्यम आधार। अगर आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो तो उस केस में फटका कंप्लायंस चाहिए। और जब आप कोई भी करंट अकाउंट ओपन करने जाओगे तो पहला जो पेमेंट है वो आपको बाय अकाउंट पे चेक देने होंगे, तो आपको अकाउंट ओपनिंग चेक भी यहां पे देने होते हैं। अब आ जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP के केस में डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सबसे पहले चाहिए एंटिटी पैन, यानी कि आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP है उसकी पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब है कि जो आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो देने होंगे, जो मेजर डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उनका KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो ऑथराइज सेक्रेटरी है यानी अगर कोई मैनेजर को आप ऑथराइज सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हो तो उस केस में उनका भी KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से कोई करंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो वहां पे आपको बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी देना पड़ता है। वहीं पे अगर आप एक LLP हो तो आपकी लेटर पैड में एक लेटर लिखना ही सफिशियंट होता है, उसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग चेक भी आपको देने होंगे। अब आ जाते हैं पार्टनरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हो, फिर उसको नोटरी कर लेते हो और नोटराइज्ड पार्टनरशिप डीड के बेसिस से आपको पैन कार्ड मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले एंटिटी का पैन कार्ड देना है, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में आपको देना है पार्टनरशिप डीड का एक कॉपी, KYC डॉक्यूमेंट में के हिसाब से आपको देना है हर पार्टनर्स की KYC यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो वो भी देने होंगे, पार्टनरशिप लेटर भी देने होंगे, यानी अगर आप जो सिग्नेटरी है उसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो, ऑल पार्टनर्स अगर साइन करना चाहते हो या एनी टू ऑफ ऑल द पार्टनर्स या फिर आइदर अ सर्वाइवर, तीसरा तमाम चीज को आपको बाय लेटर लिख के जमा करने होते हैं, साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग चेक भी देने होंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या डॉक्यूमेंटेशन है। इस केस में चाहिए एंटिटी का पैन, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट यानी जो आपका मेमोरेंडम ऑफ हुफ का वो चाहिए, कर्ता की KYC चाहिए यानी पैन, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ चाहिए, और गवर्नमेंट इशूड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके HUF के नाम पे है। तो दोस्तों आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको मालूम चल गया है कि अगर आप ICICI बैंक में प्रोपेटर या फिर पार्टनर के हिसाब से या फिर डायरेक्टर के हिसाब से अगर आप कोई करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ साथ रेड कलर की जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।